हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सर साई इंटर कॉलेज संगठन तिलोदिया मेठी। आज की क्लास में हम लोग विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम विज्ञान की परिभाषा के बारे में जानते हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आगे हम विज्ञान दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका के बारे में बात करते हैं। भूमिका अर्थात विज्ञान की देन के बारे में बात करते हैं। विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया है? विज्ञान ने हमें आधुनिक नई चीज़ें दी हैं, जैसे पुराने जमाने में हम लोग घड़े का इस्तेमाल करते थे ठंडा पानी पीने के लिए। आज हमारे पास जो है ठंडा पानी पीने के लिए कूलर है, जो है नई नई चीज़ें जो है तकनीकें जो है हमारे यहाँ उपलब्ध हुई हैं वो विज्ञान की ही देन है। जैसे पहले लोग रिक्शा चलाकर जो है आगे बढ़ते थे, आजकल ई रिक्शा का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। ई रिक्शा, रेलगाड़ी, बस, कार आदि का इस्तेमाल होता है। इसी क्रम में हम लोग जो है कृषि का कार्य में जो है उन्नति की है। कृषि कार्य, कृषि कार्य, कृषि कार्य में हम लोग पहले जो है बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। बैलगाड़ी यानी बैल चालित जो है यंत्रों का प्रयोग करते थे। बैल चालित यंत्रों का प्रयोग करते थे। आजकल हम लोग कृषि कार्य में जो है ट्रैक्टर का यूज करते हैं। ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें है हैरो, कल्टीवेटर, कल्टीवेटर का इसी तरह विज्ञान ने हमें नई नई चीजें जो है उपलब्ध कराई हैं। अगले टॉपिक के बारे में हम लोग अगली क्लास में जो है चर्चा करेंगे।